उससे भी बड़ा ये हुआ कि उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई साहब आप अपना पैसा वापस ले लो, आपका रिपोर्ट नहीं है. एग्जैक्टली यही हुआ था. तो जी वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज वैभव एंड यू आर वाचिंग स्कॉर्पियन वीजे. तो सबसे पहले यार आप लोगों को वेरी हैप्पी दिवाली. सो पिछले 70 दिनों से आप लोगों से दूर था, कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया. खैर उसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है जो आप लोग को मैं ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के एंड में या बीच में बता दूंगा मैं आप लोग को. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार वापस आप लोगों से मिलके, वापस यूट्यूब पे आके. एंड अभी सिलसिला चलता रहेगा, भगवान ना करे कभी ये बीच में रुके. आप लोगों के साथ टच में रहना, आप लोगों के साथ आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना काफ़ी अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है. एंड रीज़न ये था यार, आप लोगों को पता है कि कौन सी बीमारी चल रही है. एंड वो हो गई थी मेरे फादर को, सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घर डिस्टर्ब हो गया था. फादर पॉजिटिव हो गए थे, मेरी सिस्टर श्रेया वो भी पॉजिटिव हो गई थी. इनफैक्ट मुझे भी सारे A to Z वही सिम्टम थे. एंड मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, एंड मैंने कितनी बार कोविड टेस्ट करवाया वो भी बताऊंगा मैं आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा ज़रूर बताऊंगा. सो लेकिन सबसे पहली बात, ये सब बाद में बातें करेंगे. सो आज है छठ पूजा यहाँ पे, एंड हमारी सोसाइटी में काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया. मतलब कि आई एम लिटरली शॉक्ड यार कि छठ पूजा के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना प्रोटोकॉल्स को, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कराया. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे कहते हैं ना मज़ा आ गया देखने से. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो यार मैं 14 दिन से क्वारंटाइन में था. सो आज ही मेरा क्वारंटाइन ओवर हुआ है, बिल्डिंग सील हो गई थी. एंड हुआ बेसिकली ये था कि 30th of October को रात में काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हो गया था मुझे. बेसिकली ये सारा स्टार्ट मुझसे ही हुआ था, बट आई डोंट नो वेदर आई वॉज हैविंग द कोविड वायरस और नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट द फैक्ट इज़ कि सबसे पहले फीवर मुझे हुआ, एंड फीवर कुछ छोटा मोटा नहीं, 103 के आसपास ही था. जिस हिसाब से मुझे मेरी बॉडी पेन हो रही थी, जिस हिसाब से पापा ने उस समय देखा मुझे, सो काफ़ी ज़्यादा फीवर था. सो कोल्ड थेरेपी करने के बाद थोड़ा सा आराम लगा. एंड उसके बाद जो हुआ वो ये कि डेली शाम को 7 बजे फीवर हो जाता था मुझे. एंड यू कांट इमेजिन यार उस समय मेरा क्या हाल था. बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस समय. मतलब ठीक है यार जो हुआ इट्स ओके, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा यार आप लोग अच्छे से रहो, मास्क बिल्कुल भी पहनना मत छोड़ो, हमेशा पहन के रहो, क्योंकि कोविड किसको है, कब हो जाएगा कुछ नहीं पता. रिक्वेस्ट है यार मेरी, आपके भाई की रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके रहो. सो भी सबसे बड़ा इशू मैं ये नोटिस कर रहा हूँ अभी कि मुझसे कैमरा ही नहीं पकड़ा जा रहा, काफ़ी ज़्यादा हमें पेन हो रहा है, तो उसकी वजह से शॉट बीच में कट हो गया था. एंड वही मैं बात कर रहा था कि ठीक है यार आप प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करके रखो जितने भी हैं, मास्क पहनना बिल्कुल मत छोड़ो. चलान 500 था दिल्ली में, अब 2000 हो गया है, ध्यान से रहो. एंड अभी आपको मैं पापा से बात कराता हूँ कि पापा का क्या एक्सपीरियंस था, क्या था, कैसे उनको फील हुआ, एंड सब कुछ कैसे. अच्छा सबसे बड़ी बात यार आप लोग से बताना मैं भूल गया कि जब 1 नवंबर से ये सब स्टेप स्टार्ट हुआ, बॉडी पेन, सबसे पहले सिम्टम्स मुझे क्या होते, फीवर हुआ, आइज़ के ऊपर पेन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई, एंड खांसी हो गई. अब खांसी खैर अभी भी है, अब थोड़ा रिलैक्स हूँ एंड थोड़ा सा बेटर इम्प्रूवड है खांसी में, बट सबसे ज़्यादा जो इशू था वो यही था कि आइज़ के ऊपर पेन एंड फीवर बहुत ज़्यादा था. बिजली आइज़ के ऊपर पेन, आइज़ बॉल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग पड़े थे. मैंने पूरी बॉडी चेकअप करा लिया अपना, बट कोविड टेस्ट मैं नहीं करा रहा था बिकॉज मैं अंदर से श्योर था यार मैं कभी किसी के कॉन्टैक्ट में से आया नहीं, मास्क नीचे मैंने किया नहीं, तो कैसे हो सकता है. सो बट द थिंग इज कि मुझे हुआ वो मुझे इसलिए पता चल गया बिकॉज फादर का पॉजिटिव आया एंड सिस्टर का पॉजिटिव आया. बट जब मैंने टेस्ट कराया तो उन लैब ने मेरी रिपोर्ट शायद उनसे मिसप्लेस हो गई थी. सो मेरा उस समय रिजल्ट नहीं आ पाया. सो आई थिंक उस समय था 5th
ऑफ नवंबर की बात है ये, जब ये सब टेस्टिंग करवाए थे हम लोगों ने। एंड उसके बाद ठीक है यार, हम लोगों ने बोला कि ठीक है अगर सबको होगा तो घर में, सो इट्स ओके, सब आइसोलेट कर लेते हैं। सब लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया एंड फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गए। एंड 10th of November को मैंने टेस्ट कराया। उस समय लिटरली यार घर वाले कह रहे थे भाई तुझे तो पॉजिटिव होना ही है क्योंकि बीमारी तुझसे शुरू हुई है एंड तुझे अभी 14 दिन हुए भी नहीं है जिससे कि तू रिकवर हो जाए। बट मैं उस समय नेगेटिव आ गया एंड क्या हुआ कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता, बट तब से लेके अभी तक मैं नेगेटिव ही हूँ एंड आई एम टोटली परफेक्ट। बस थोड़ी सी खांसी है, हो सकता है मौसम चेंज की वजह से भी हो। एंड चलो मैं आपको बताता हूँ पापा का क्या एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद सबसे बड़ी इस वीडियो की अनाउंसमेंट आपके पास आने वाली है, वो है कि आपको वो बाद में बताऊँगा मैं कि क्या हो रहा है इंडिया में। सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कौन सी हो रही है आज की डेट में, जो कि वर्चुअली ऑब्वियसली, आपसे उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। प्लीज़ बने रहना इस वीडियो में यार। सो जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि पापा भी पॉजिटिव हो गए थे, सो आओ सुनते हैं पापा का एक्सपीरियंस। सो पापा बताओ क्या हुआ था, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ एंड कैसे आप पॉजिटिव आ गए? पॉजिटिव कैसे आ गया ये तो एक सस्पेंस है, नो डाउट इट इज़ अ वेरी ग्रेट सस्पेंस, क्योंकि आई कैनॉट बिलीव टिल टूडे कि मैं पॉजिटिव कैसे आया। एग्जैक्टली क्योंकि काफ़ी सावधानी है वो सब वीवर क्या बोलते हैं किसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली तो exactly ये समझना ये हाँ बिल्कुल ये समझना बड़ा मुश्किल है कि हुआ कैसे, बट नो डाउट लापरवाही जरूर होगी कहीं ना कहीं, इसलिए पॉजिटिव हुआ। एंड सिलसिला यही था कि पहले तुम्हें हुआ था शायद, मुझसे स्टार्ट हुआ था। मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझसे ही सारा ये एक फर्स्ट नवंबर की बात है एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, वेरी हाई फीवर। कैमरा में देख के दो लोग सोचेंगे मैं हमसे दुश्मनी है कोई, नहीं ऐसी दुश्मनी की क्या बात है, प्यार मोहब्बत वाली बात है। फर्स्ट नवंबर की बात है, इसको काफ़ी वैभव को ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, बॉडी एक एंड उसके बाद ग्रेजुअली सोर थ्रोट हुआ, तो उसके साथ मेरे ख्याल से इसी से मेरे को ट्रांसमिट हुआ है इसको ये। एंड मज़े की बात यह है कि हम तीनों श्रेया को भी वो शी वॉज हैविंग फीवर, तो तीनों ने हमने टेस्ट कराया। नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स श्रेया का रिपोर्ट, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव एंड भाई साहब का जो रिपोर्ट है ये तो गायब है ही नहीं। लैब वालों ने मतलब मेरी रिपोर्ट गायब कर दी एंड आज तक उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं दी। एंड उससे बड़ा सबसे बड़ा सरप्राइज ये हुआ 10 नवंबर को, नहीं उससे भी बड़ा ये हुआ कि उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई साहब आप अपना पैसा वापस ले लो, आपका रिपोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली यही हुआ था। राइट, तो उसके बाद आप सबसे बड़ी बात मुझे ये बताओ, घर में सारे ये सोच रहे थे कि मुझसे हुआ है, बिकॉज सबसे बड़ा सबसे पहले फीवर मुझे हुआ। एग्जैक्टली नो डाउट। एंड जब सारे आइसोलेटेड थे सबको मतलब कुछ ना कुछ पेन था, उस समय शायद आपको भी बिल्कुल 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 ये मतलब सिम्टम ही यही है कि फर्स्ट फीवर, बॉडी एक एंड धीरे धीरे करके। एंड उस समय आपको भी था जब मैंने सेकंड बार टेस्ट कराया था 10th of November को, एंड आपको सारे ये सिम्टम थे एंड मुझे उतने ज्यादा नहीं थे, बट सबको लेकिन घर में ये लग रहा था कि यार मुझे भी पॉजिटिव आना ही आना है 101%। बट द फैक्ट इज उस समय मुझे नेगेटिव आया। एग्जैक्टली नेगेटिव आया एंड अभी तक फिलहाल मैं नेगेटिव ही हूँ एंड एज सच कोई भी इशू नहीं है, ना पापा को इशू है ना मुझे इशू है। सो मैंने तो अपना पूरा क्वारंटाइन टाइम जो है आई हैव स्पेंडेड, पूरा आइसोलेशन, पूरा प्रोटोकॉल जो था वो मैंने फॉलो किया, बाहर नहीं निकला एंड हमारा जो फ्लोर था दैट वाज सील्ड, पूरा सील्ड था एंड इमेजेस मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आपको कहीं दिख रही होगी यहाँ पे, नो डाउट हमारे जो यहाँ पे सोसाइटी में जो नेबर्स हैं उन्होंने काफी, इनफैक्ट जो यहाँ पे जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है सीबीआरई, उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया हमारा एंड हर तरह से जितने भी एंगल से हेल्प कर सकते हैं उन लोगों ने किया। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द गार्ड्स एग्जैक्टली ड्यूटीज जो 12-12 घंटे यहाँ पर ड्यूटी फ्लोर में कर रहे थे। एंड अच्छा वो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, लिटरली यू कांट बिलीव एक गार्ड जो सीबीआरई सेंटिनल्स की तरफ से है एंड दे आर वेरी वेल प्रोफाइल्ड गार्ड्स एंड उन लोगों ने डिप्लॉय किया था हमारे घर के बाहर। एंड दिवाली से एक दिन पहले मम्मी आपने ये कहा था ना उन लोगों को कि शायद दिए लाने के लिए, हाँ सो वो बंदा
दिए हमारे लिए लेके आया, स्पेशली वो गया बाहर, गया सोसाइटी के बाहर, एंड छोटे छोटे जो दिए जो कंपलसरी होते हैं जलाने, हमें कितने होते हैं एंड 30 मंगवाए थे, एक बड़ा मंगवाया था अर्ली मॉर्निंग 6:30 या 7 के आसपास, वो बंदा हमारे घर में आया एंड उन लोगों ने दिया, उन्होंने बोला कि सर आपको और कोई भी जरूरत हो प्लीज़ हमें बता देना। सो ये सब कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिससे जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ, एंड वो हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो। सो खैर यही था, नहीं इसमें ऐसा उसमें है कि व्हाइल स्टेइंग क्वारंटाइन आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करो, अलोम विलोम, कपाल भाति, ऑक्सीमीटर में कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहो, SPO2 आप हमेशा मॉनिटर करते रहो, इट शुड बी अबव 94 से अबव होना चाहिए, एंड जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन यू टेक दैम पॉजिटिव थिंकिंग। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि आप, नहीं मैं मेडिसिन तो है बट आई विल नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म आई विल नॉट टेल कि कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा स्पेसिफिक बिकॉज हर एक डॉक्टर्स का अपना अपना ये होता है। फर्स्ट थिंग है कि आप डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, ऑब्वियसली आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, नो नीड टू गो देयर, आप अपना सिम्टम बताओ, जो मैंने किया है डॉक्टर को कॉल किया एंड हैड एन अपॉइंटमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, मैंने अपना रिपोर्ट शेयर किया देन एंड बहुत अच्छे वो डॉक्टर मिस्टर डॉक्टर अमित सचदेवा ही वॉज वेरी नाइस पोलाइट एंड ही हर्ड एवरीथिंग हॉस्पिटल है मैक्स में और फिर मैक्स हेल्थ केयर में यहाँ पर महागुण मार्ट में एंड जो दवाई उन्होंने दिया वो मैंने फॉलो किया, रेगुलरली लिया एंड फुल फैमिली सपोर्ट एंड स्पेशली सबसे बड़ी बात अभी दादा दी आए हुए हैं एंड सीनियर सिटीजन हैं, उनसे आइसोलेट करके रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये। सो और इस दौरान जो है वो तुम्हारी मम्मी ने काफ़ी एग्जैक्टली काफ़ी सिर्फ दिन रात एक मॉमी थी जिसकी जिन्होंने सब कुछ सारा पूरा घर संभाला, श्रेया पॉजिटिव, पापा पॉजिटिव, मेरी तबीयत खराब, मैं पॉजिटिव बोलूँ ना बोलूँ, नहीं तुम बीच में ही बोलो, बीच में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है ना जीरो, हाँ राइट, तो वही मैं था। सो मैं डाउटफुल कंडीशन था एंड सबसे बड़ी बात दादा दादी थे एंड वो सीनियर सिटीजन हैं, कैसे टैकल करके रहना है, कैसे खाना देना है, कैसे प्रोटोकॉल्स को मैनेज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, वो सारा मॉम ने किया, मॉम ने खाना पीना सब कुछ अकेले, सफाई, आप सोच सकते हो यार बहुत बड़ी बात होती है एंड थैंक्स टू मॉम। एंड अब सबसे बड़ी बात, चलो ये तो हो गया थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट में, आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट करनी थी, आप कर रहे हो बस यही कॉन्फ्रेंस वाली, नहीं करो। सो इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, साइबर सिक्योरिटी CIA कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इंटरस्कॉट साइबर इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, ये ऑर्गेनाइज हो रही है एंड आप लोग ओपन कॉन्फ्रेंस है पूरी है एंड US होमलैंड सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इज कमिंग इन दिस सब कॉन्टिनेंट, सो यू कैन इमेजिन लाइक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ओपन कॉन्फ्रेंस है पूरी की पूरी एंड हमारे कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो कि पेड ट्रेनिंग्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे गुडीज हैं, कूल गुडीज हैं, टी शर्ट्स, बैचेस एंड मास्क बहुत अच्छा है एंड काफ़ी सारे हम लोगों ने चीज़ें गुडीज वुडीज़ बना करके पैकेज पूरे बनाए हुए हैं। सो आप लोग प्लीज़ वेबसाइट विजिट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड बाकी काफ़ी फेमस स्पीकर्स है नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम एंटायर ग्लोब। इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो में सोच रहा हूँ नेक्स्ट बार में बना लूंगा मैं स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, ताकि आपको CTF के बारे में, CTF कैसे यूनिक है, आई कैन गारंटी यू ये जो CTF हो रही है पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, ऐसी CTF कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने या फिर कंपनी ने नहीं करवाई है, जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच, वी आर बिल्डिंग ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म, सो बेसिकली वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है। सो इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज़ बने रहना एंड बस पापा वीडियो एंड करो, और कुछ आप बोलना चाहोगे? स्टे सेफ एंड मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करना। भाई साहब 2000 रुपए का फाइन हो गया दिल्ली में विदाउट मास्क, पहले 500 था अब 2000 है, सो आप लोग 2000 रुपए पॉकेट में बाहर लेके जाए करना, नहीं मस्ट है ये, अपार्ट फ्रॉम जोक ये सब तो है बट इट्स योर फॉर योर ओन सिक्योरिटी, योर ओन पर्सनल, ये आप मास्क जरूर पहने, अभी कोरोना गया नहीं है और ये अभी पीक में जाएगा, तो ये आप पूरा सावधानी बरतिए और डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्लीज। सो टिल देन स्टे सेफ, वीडियो के साथ बने रहना, आने वाली वीडियो के साथ बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय हिंद।